बाबा 28 वर्ष से कंटिन्यू अपना सीना पे कलश स्थापना करते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से नागेश्वर बाबा 21 कलश लिए हुए हैं, 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। कैसे ये सब संभव है? अरे पटना के कुछ डॉक्टर साहब लोग भी हमसे बोले थे कि बाबा नित क्रिया कैसे बंद रखते हैं। बाबा 2 दिन पहले अन्न जल सब त्याग देते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को खर्च करना रहता है, जो भी अंदर है वो साफ होता है। इसके बाद गंगा स्नान जाते हैं, गंगा जी वहाँ से गंगा जल भराता है और 11 आदमी मिल करके बाबा के सीना पे कलश स्थापना किया जाता है। नहीं, हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, 25 साल से बाबा को। हाँ, यही जगह के रहने वाले हम लोग भी हैं। बहुत धार्मिक स्थल है, माता का आशीर्वाद है, सब कर सकते हैं, बाबा ही कर सकते हैं, सबको आम आदमी थोड़ी कर सकते हैं। अभी हम पटना के नौलखा मंदिर में है। यहाँ पे एक बाबा जो पिछले 28 सालों से अपने शरीर पे कलश रख करके एक त्याग देते हैं। समझिए कि माता जी का कोई ऐसा भक्त हो सकता है जो पिछले 28 सालों से इस प्रकार का त्याग दे, इसके लिए माता जी को प्रसन्न कराते हैं। मतलब समझिए, ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखेंगे तो बाबा जी का जो उम्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माता जी के शक्ति में इतना ज़्यादा लीन है, इतना ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं कि ये पिछले 28 सालों से इस प्रकार की साधना कर रहे हैं। देखेंगे तो पिछले 28 सालों से जो कलश था वो जो भी था, लेकिन इस बार कलश को बढ़ा दिया गया, इस बार 21 कलश को रखा गया और सारे कलश में जो है कि गंगा जल है और गंगा जल का वजन लेकर के लगभग 70 किलो वजन जो है कि अपने पूरे शरीर पे रखे हुए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाबा जो है कि मिथिला धरती यानी दरभंगा के रहने वाले हैं। अभी नौलखा मंदिर में है, पटना का काफ़ी विख्यात, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और इस प्रकार का कोई माता जी का भक्त, इस प्रकार का कोई मतलब कि क्या बोले पुजारी, जो माता जी को प्रसन्न कराने के लिए इतना बड़ा त्याग दे सकता है, इतना बड़ा जो है कि कुर्बानी दे सकता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाकी मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ है। पुजारी जी, बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं, कब से ये सब कर रहे हैं, कब से ये सब त्याग दे रहे हैं? सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समीभूते भवेत्राहि मायम्बे दुर्गा माता नमस्तुते। ये दुर्गा माँ का दरबार है जी। इनको हम शक्ति माँ भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया को शक्ति देती है। माँ के चरण में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव, त्रिदेव जिनको कहते हैं, निवास करते हैं। वो भी माँ के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। बाबा नागेश्वर को जो आप बात करते हैं, बाबा नागेश्वर दरभंगा के रहने वाले हैं, कुशेश्वर स्थान। ये बाबा कब से ये क्रिया कर रहे हैं, जैसे कलश उठाने का हर साल होता है कि ये इस बार पहली बार हो रहा है? नहीं, बाबा 28 वर्ष से कंटिन्यू अपना सीना पे कलश स्थापना करते हैं और बाबा एक कलश से शुरुआत किए थे, 21 कलश पे गया, 21 से ऊपर भी बाबा का इच्छा था बढ़ाने का, लेकिन हमारे मंदिर के व्यवस्थापक साहब डॉक्टर विजय कुमार यादव जी बोले कि नहीं, इससे अधिक ठीक नहीं है बाबा। अच्छा, बाबा की उम्र जो है कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि कलश को बढ़ाया जाए। आपको नहीं लगता है कि बाबा के अंदर एक अलग ही दैवी चमत्कार है, ऐसा सब कोई नहीं कर सकता, आम इंसान नहीं कर सकता है? सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वाधि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो जगदम्बा अपने पुत्र को आशीर्वाद दे, अपने पुत्र के ऊपर हाथ रख दे, उनका इस दुनिया में कोई बाल बका कर सकता है। बाबा कहते हैं, एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया था इस बात का, क्योंकि 22 वर्ष से हम भी माँ के दरबार में पूजा करवा रहे हैं और माँ का चमत्कार हम देखते हैं कि अभी तक जो भी भक्त यहाँ आए हैं कुछ न कुछ लेके गए हैं। माता रानी दुख हरती है और सुख देती है। नागेश्वर बाबा को माता रानी पर अति विश्वास है। अब विश्वास क्यों नहीं रहेगा, जिस मंदिर में 365 दिन भजन कीर्तन होता हो, जिस मंदिर में हफ्ता में 2 दिन भंडारा किया जाता हो, उस मंदिर में शक्ति का आराधना होता नित्य दिन हो। माता रानी के आशीर्वाद से नागेश्वर बाबा 21 कलश लिए हुए हैं, 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। अच्छा जी, बाबा कुछ अन्न जल सब त्याग दिए होंगे, नित्र क्रिया कर नहीं रहे होंगे, ये बाबा इतना आसानी से, लोग कहते हैं कि अगर खाना नहीं खाएगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा, कैसे ये सब संभव है? ये बात अरे पटना के कुछ डॉक्टर साहब लोग भी हमसे बोले थे कि बाबा नित्य क्रिया कैसे बंद रखते हैं, बाबा अन्न जल कैसे त्यागते हैं 9 दिन।
हम क्यों भाई, बोले कि 24 घंटा में अगर इंसान अंजल ग्रहण न करे तो राम जी जाने की क्या होगा। बाबा कहते हैं कि हम महीना दिन भी रह जाए फिर भी मेरी माँ हमको बचाएगी, और बाबा नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं 9 दिन तक। 9 दिन ही नहीं, बाबा 2 दिन पहले अंजल सब त्याग देते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को खर्च करना रहता है, जो भी अंदर है वो साफ होता है। इसके बाद गंगा स्नान जाते हैं, गंगा जी वहाँ से गंगा जल भराता है, बाबा के पूरे कलश में भराया जाता है, और 11 आदमी मिल करके बाबा के सीना पे कलश स्थापना किया जाता है। अच्छा, इससे 21 कलश में लगभग कितना वजन होगा, कितना वजन बाबा अपने शरीर पे लिए हुए हैं? लगभग बाबा का वजन 70 केजी के करीब है, क्योंकि जल का अधिक वजन है। अच्छा, बाबा का उम्र लगभग कितना होगा, इस उम्र में 70 किलो वजन अपने शरीर पे लिए हुए हैं? 64 वर्ष के बाबा हैं, लेकिन बाबा से अभी तो बाबा को तनिक आप अस्वस्थ देख रहे हैं, क्योंकि 4 दिन बाबा को बहुत लोग इतना प्रश्न किया है कि आप सोच सकते हैं कि जो बगैर अंजल के रहता हो उसे ज़्यादा बात क्या करें। लेकिन बाबा को अगर आपको देखना है तो 7वीं से यहाँ शुरू होता है। अभी माता रानी के देख रहे हैं नयन बंद है, माँ का श्रृंगार बंद है, खष्टी के माँ के श्रृंगार होगा और 7वीं के माँ का पट खुलेगा। 7वीं के जब पट खुलेगा तो आ करके मंदिर में आप देखिएगा कि नागेश्वर बाबा कितने हंसते हैं, कितने खिलखिलाते हैं, क्या क्या भजन करते हैं और कैसे भक्त को आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है कही पुजारी जी ने। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम कर रही हैं, बात करेंगे। माता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? अनिसाबाद के। पटना की हैं। हाँ। बाबा पिछले 28 सालों से कर रहे हैं, लगता है कि कोई आम इंसान इस प्रकार का कोई काम कर सकता है? माता जी आप कुछ तो बोलिए, कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं, माता का जिस पर भक्ति रहेगा उसने कर सकता है, मतलब जिस पर कृपा रहेगा वही कर सकता है। हाँ। अच्छा, कोई 9 दिन बिना खाए रह सकता है ऐसा? आशीर्वाद रहेगा तो कर सकता है। अच्छा, बाबा का उम्र लगभग अधेड़ हो चुका है, मतलब यूं कहे तो लगभग 60-70 साल की। हाँ, तो उनका आशीर्वाद है तब ना, ऐसे कैसे कर लेगा कोई? मतलब हम और आप नहीं लगता इतना आसानी से ये कर पाएंगे? नहीं कर सकते। क्या लगता है माता जी आपको, सबको इतना आसानी से कर पाएगा? कैसे कर पाएगा, बिना आशीर्वाद का कैसे कर पाएगा? उन पर दया है माता के तब न कर रहे हैं, सबको एक ही जैसा हो जाएगा। 9 दिन बिना खाए रहना है, ना कहीं कुछ करना ही नहीं, एकदम एक जगह कुछ नहीं। हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, 25 साल से बाबा को। हाँ, यही जगह के रहने वाले हम लोग भी हैं। तो पिछले 25 सालों से आप देख रहे हैं बाबा हर साल ऐसा करते हैं? हर साल ऐसा करते हैं, और किसी साल कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत? परेशानी नहीं, माता का आशीर्वाद है सब बाबा के ऊपर। बहुत धार्मिक स्थल है, माता का आशीर्वाद है, सब कर सकते हैं, बाबा ही कर सकते हैं, सबको आम आदमी थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल बात है, सही कही। देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा भक्त लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कि इस चीज़ को प्रसन्न भी करें। चलिए, बाकी इस प्रकार की दैवी चमत्कार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।